हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी को हम सुन रहे थे कि हमें क्या देना है और क्या लेना है उससे, क्योंकि जो चीज हम बांटते हैं वही हमें लौट करके मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से नाराज हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, और ये कहते हुए दौड़कर पहाड़ियों की तरफ चला गया। पहाड़ियों के पास खड़े होकर बोलने लगा, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वही आवाज घाटियों से गूंज बनकर के वापस आई कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। बच्चा डर गया और दौड़ करके माँ के पास आया। रोते रोते बोला, माँ घाटी में एक बहुत गंदा बच्चा रहता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इस बार जाकर के घाटियों पर कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा गया और वही कहा, घाटी से वही आवाज वापस आई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक इसी तरह जीवन भी एक गूंज है। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है और कई गुना होकर के मिलता है। जिस चीज को पाने की इच्छा हो उससे बांटने लग जाओ। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बांटना है, चाहे वो सुकून हो, प्यार हो, इज्जत हो, वो पलट कर वापस जरूर आता है। और तो परमात्मा पिता हम सबको यही सिखा रहा है कि इस विश्व में अगर शांति लानी है, अपने जीवन में शांति लानी है, इस धरा को स्वर्ग बनाना है, तो परिवर्तन का पहला वीणा खुद से उठाना है। शुरुआत हमें अपने से करनी है। क्या देना है, जो हमें चाहिए वही हमें दूसरों को भी देना है।